नमस्कार, आज है 20 अप्रैल 2020 और 20 अप्रैल 2020 की टॉप 5 न्यूज हम आपके लिए लेकर आए। पहली खबर है, प्रदेश में अब एक जिले से दूसरे जिले जाना भी हुआ बंद, स्वस्थ व्यक्ति भी हो सकता है कोरोना कैरियर। डीजीपी, हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल सोमवार से अन्य राज्य इंटर स्टेट पर एक जिले से दूसरे जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट भी कोई व्यक्ति आ जा नहीं सकेगा। शिमला में रविवार को पुलिस महानिदेशक एस आर मार्डी ने कहा कि लोग इस भ्रम में ना रहे कि वो अब कहीं आ जा सकेंगे। उन्होंने अन्य राज्यों से पहाड़ी नदी नालों के रास्ते पैदल घर पहुंचे लोगों को भी अपनी सूचना प्रशासन को देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना के कैरियर में हो सकता है। ऊना में एक तबलीगी जमात का एक ऐसा ही व्यक्ति फिर से संक्रमित हो गया है जिससे पहले कोई लक्षण नहीं थे। अगली खबर है, जयराम के अपने गृह के लोगों से अपील, लॉकडाउन का पालन करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को सिराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों को सख्ती से पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता से आग्रह की वे आम जनता को सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करें और इन्हें इस बात की भी जानकारी दें कि सरकार ने इस वैश्विक महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सोशल डिस्टेंसिंग और घर पर रहने के नियम का पालन अति आवश्यक, डॉक्टर राजीव सैजल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारी मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि कोरोना के खतरे से बचाव के लिए सोलन जिला में विभिन्न निर्देशों व नियमों का पालन किया जा रहा है। इसके लिए सोलन जिला की जनता और सभी अधिकारी एवं कर्मचारी बधाई के पात्र है। डॉक्टर सैजल ने रविवार को यहां कोरोना बचाव और रोकथाम के लिए गठित समन्वय समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अगली खबर, HRTC 10,500 कर्मचारियों के लिए बनाएगा 15,000 मास्क। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खुद के मास्क तैयार करेगा। HRTC ने 10,500 कर्मचारियों को खुद तैयार किए गए मास्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। 10,000 N95 और 10 लाख सर्जिकल मास्क का भंडारण करने को कहा। कोरोना संकट से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों को मास्क पहनकर घर से बाहर अनिवार्य कर दिया है। अगली खबर है, 4 जिलों में 95 सैंपल नेगेटिव, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, मंडी के लिए रात भरी खबर। प्रदेश के लिए रविवार का दिन कोरोना वायरस को लेकर रात भरा रहा। कोरोना महामारी को लेकर हॉटस्पॉट बने हुए 4 जिलों में देर रात तक आई रिपोर्ट में सभी सामान्य पाई गई। अब तक कुल 101 सैंपल की टेस्टिंग की गई जिसमें 95 नेगेटिव रहे जबकि 6 फेल हुए, उन्हें द्वारा भरा जाएगा। हिमाचल में मास्क पहनना हुआ जरूरी ना मानने वाले लोगों को पुलिस आज से करेगी कड़ी कार्रवाई, DGP ने दिए निर्देश। लॉकडाउन में छूट के अवधि के दौरान अगर आप घर से सामान खरीदने सहित अन्य जरूरी कार्य के लिए बाहर जा रहे तो मास्क अवश्य पहन ले। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। मास्क ना पहनने वालों पर पुलिस सोमवार से कानूनी कार्यवाही अमल में लाने जा रही है। अगली खबर है, हिमाचल से 3 मई तक जेल आया राज्य से बाहर जाना भूल जाओ। इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए लोगों को 3 मई तक का इंतजार करना होगा। पुलिस ने जनता की मूवमेंट की अटकलों को समाप्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक राज्य में 20 अप्रैल से किसी भी तरह के इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होगी। पुलिस महानिदेशक एस आर मार्डी ने कहा कि कुल 20 अप्रैल से इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की बात कर रही है। इसके लिए जनता को 3 मई का इंतजार करना होगा। ऐसे में जनता जहां है वहीं रहे। पुलिस महानिदेशक ने जनता से कोरोना वायरस को लेकर चल रहे फेक मैसेज को सतर्क रहने का भी आह्वान किया। डिजिटल पेमेंट का करें ज्यादा इस्तेमाल, नोटों से फैल सकता है वायरस। अगली खबर, आज से खेतीबाड़ी दिहाड़ीदारों को छूट, हिमाचल में निर्माण कार्य की सशर्त मिलेगी अनुमति, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें भी 2 दिन खोलने की इजाजत। हिमाचल में नया मरीज ने रविवार को 178 की रिपोर्ट, नेगेटिव 39 ही पीड़ित है। अगली खबर है, कोरोना से खुद भी बचे दूसरों को भी बचाए, सराज के लोगों से रूबरू हुए CM बोले सख्ती से करें सरकार के निर्देशों की अनुपालना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए सभी लोगों को सुरक्षा उपाय और सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे सरकार की बात को जनता तक पहुंचाएं। तो ये थी 5 आज की बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश की।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।